नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाले हैं इज़राइल के कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि आप लोगों को जेन्युइन रहेंगे। और जो भी बाहरी स्टेट से है, जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश में अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो आप NADC के माध्यम से आप किसी भी स्टेट से करा सकते हैं, क्योंकि NADC तो पूरे भारत के लिए सरकारी माध्यम से है। तो आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आसानी रहेगा। प्लस मैं आपको एक नंबर एशिया पावर का दूंगा, जिनका अभी टेस्ट नहीं चल रहा है, लेकिन टेस्ट जब चलेंगे तो आप उसमें जो है उनका उनके पास CV भेज करके और अपना टेस्ट करा सकते हैं, जो कि कोचिंग केरला में है और काफ़ी अच्छे अच्छी ऑफिस है और काफ़ी जेन्युइन तरीके से वो आपका CV अगर पास होता है तो आपको सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। दोस्तों, इस टाइम के जो इस टाइम है अभी के टाइम पे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि यूरोप भी छोड़ करके, यूरोप जहाँ पे बहुत अच्छी कंट्री को देखा जाता है और बहुत बहुत बड़ा जो है एक कंट्री माना जाता है कि अगर मैं वहाँ पे चला जाता तो जो है बहुत अच्छा रहा। तो इस हिसाब से अभी यूरोप को भी छोड़ करके इसराइल में जाना लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल में एक अच्छी खासी सैलरी मिल जा रही है। एक हेल्पर भी अगर वहाँ पे जाते हैं तो उनको भी एक लाख रुपए की मंथली सैलरी उनको मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग को अगर NADC के माध्यम से अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना नहीं पता है, तो अगर आप लोग दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि इस टाइम में काफ़ी ऐसे मेरे भाई हैं, बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो कि दुबई और सऊदी गल्फ में जाना तो उनको एकदम समझिए कि एक बहुत बड़ा बोझ सा लग रहा है, क्योंकि पहले ज़्यादा लाइनें लगी रहती थी कि हमें दुबई जाना है और दुबई जाने के लिए हम लाइन लगा रहे हैं, एक एक लाख रुपए दे रहे हैं। तो अब वहाँ पे बहुत कम लोग जाना पसंद कर रहे हैं और ना के बराबर वहाँ पर कम्युनिटी में आ रहे हैं। दूसरों में आप लोग को ये बताऊँ कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन जो करना है थर्ड राउंड का या NADC के माध्यम से, ठीक है, अभी तो तीसरे राउंड में ही ये होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप लोग किसी भी कंप्यूटर वाले के सिस्टम से जा करके, यानी कि अगर आप कंप्यूटर चलाते भी हैं तो आप अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक भारत सरकार की NADC के माध्यम से जो वेबसाइट है, NADC के माध्यम से जो वेबसाइट है उस पर जा करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या नहीं तो आप लोग जहाँ पे टिकट वगैरह निकलता है, पासपोर्ट वगैरह ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, टाइपिंग सेंटर वाले के पास, वहाँ पे जा करके भी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं बिहार से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से जो NADC के माध्यम से ऑनलाइन हो रहे हैं थर्ड राउंड में इंटरव्यू, उसके लिए मैं NADC के माध्यम से मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ। तो वो लोग जो है ऑनलाइन जा करके वेबसाइट पे और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और NADC के माध्यम से अगर आपको कॉल आए तो आप जो है जा करके अपना पैसा जमा करा सकते हैं और जा सकते हैं। ये एक माध्यम है। दूसरी चीज़ है कि जो भी भाइयों को ये लग रहा है कि हमें जल्दी जाना है, जल्दी अप्लाई करना है और कुछ पैसे हमें लगा करके तुरंत जाना है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। हमारे पास जो है बगल में एशिया पावर है और एशिया पावर से हमारा कोई लिंक नहीं है। अगर आप जाएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आप लोगों के लिए उनका नंबर देता हूँ, आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, नंबर नोट करिएगा और उस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे तो फ़ोन उठेगा, ये विश्वास है, ठीक है, फ़ोन उठेगा भी और आपका CV भेजने को बोलेंगे तो आपका CV जो भी डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, फ़ोटो, ठीक है, वो खुद बोलेंगे कि आप ये चीज़ भेजिए, ठीक है। आप लोग जो भी भाई परेशान हैं उन लोगों के लिए मैं उनका नंबर दे रहा हूँ, मैं किसी का नंबर नहीं देता हूँ, लेकिन जो भी भाई एशिया पावर से या चेन्नई में या केरला में और जो ऑफिस है वहाँ से अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग उनको उनके पास उनसे फ़ोन करेंगे तो उनको डिटेल्स उनके पास से जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, कौन सा ऑफिस है, कहाँ के लिए वांट है, ठीक है, इसराइल हमें जाना है, ये सब के बारे में आप डिटेल्स पूछ सकते हैं कन्फर्म। उसके बाद से अपना CV भेजेंगे और CV भेजेंगे उसके बाद से वो जवाब देंगे कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, तो आपका CV वो आप बोलेंगे तो अप्लाई करेंगे और आपका इसराइल के लिए जो है जब भी वांट रहेगा, जब भी टेस्ट रहेगा, वो आपको जिस प्रकार से बोलेंगे वो आप कर सकते हैं। पैसा देने से पहले आप ऑफिस में विजिट करेंगे, उसके बाद से हर सारा चीज़ जो है अपने आंखों से देखेंगे,
विजिट करेंगे, मतलब ऑफिस में जाने से पहले आप कोई भी पैसा उनको नहीं देंगे, ठीक है, या किसी को भी। आप लोग कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, मेरे बताए हुए रास्ते से जाएंगे या अपने माध्यम से भी आप किसी ऑफिस में अप्लाई करेंगे, तो आप जब तक आप ऑफिस में ना चले जाएं, भले ऑफिस कितना दूर हो, मुंबई ऑफिस हो, दिल्ली ऑफिस हो, चेन्नई ऑफिस हो या केरला में ऑफिस हो, आपको वहाँ पर जाना होगा एक बार, ठीक है। आपको रहने के लिए अगर कहीं नहीं है तो आप लोग स्टेशन पर रुक सकते हैं, कोई बड़ा स्टेशन है वहाँ पे आप बाहर में खाना खा करके वहाँ पे आप रुक सकते हैं स्टेशन पे, और स्टेशन पे रुकने के बाद आप दिन में जब आपको टाइम हो, जैसे दिन हो, ड्यूटी के टाइम हो, ऑफिस खुला है, उस टाइम ऑफिस में जा करके जो भी अपना पूछना है या टेस्ट करना है करके आ सकते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आपको जैसे CV भेजेंगे, उसके बाद से वो बताएंगे, वांट रहेगा उस टाइम कि कितने पैसे आपको लगेंगे, 2 लाख लगेंगे या 2.5 लाख लगेंगे या 3 लाख लगेंगे, तो आपको अगर आप सक्षम हैं आप दे सकते हैं तो उतना पैसा आप उसको पूछना है या कि आपको कंफर्म करना है, आप खुद पे को पहले कंफर्म करना है, ये नहीं कि पैसा भेज दिए पहले ही या हो सकता है मेरे भरोसे भेज दिए, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं ऑफिस में बैठा नहीं हूँ और ना ही मेरा ऑफिस है, तो आप लोगों को पैसा देने से पहले आपको हर चीज़ ट्राई करना है। आप लोग समझदार, जितना भी आप समझदार हैं उस हिसाब से ट्राई करना है, पूछना है, सब कुछ करना है, या आप उस ऑफिस में ही चले जाएं तो सबसे बेटर है, ठीक है। पूछ करके, हर चीज़ करके, टेस्ट दे करके, उसके बाद से आपका वीज़ा जब निकले उसके बाद ही पैसा आपको देना है। पासपोर्ट आप जमा करेंगे, ऐसा नहीं आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा ही, तो पासपोर्ट आधार कार्ड वो जमा करेंगे, उसके बाद वीज़ा देंगे, उसके बाद से पैसा आप देंगे जब वीज़ा आपका सही हो, जेन्युइन हो, बढ़िया हो, ठीक है। छोटा मोटा ऑफिस में ये रजिस्ट्रेशन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जो भी NADC से करना चाहते हैं, किसी टाइपिंग सेट वाले के पास चले जाए, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम से, जहाँ आधार कार्ड से पैसा वैसा निकलता है वहाँ पे, और जो लोग ऑफिस से अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, ये नंबर है केरला कोचिंग के ऑफिस का, ठीक है। और बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन मैं इनका नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी भाई रजिस्ट्रेशन से परेशान है, नहीं हो रहा है, तो जो भी भाई सक्षम है, कर सकते हैं, उनके लिए नंबर है, और आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो भी भाइयों को जाना है, जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हुआ है, क्योंकि इनसे मैं कल बात किया हूँ, स्पेशली पूछा हूँ क्या क्या चीज़ लगेंगे, तो इन्होंने जो है बताया कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, आप इंडिया में कहाँ कहाँ काम किए हैं, कितना दिन काम किए हैं, गल्फ़ में कितना दिन काम किए हैं, सारा चीज़ का डॉक्यूमेंट आपको बनाना होगा। तो हो सकता है कि आपको टाइपिंग सेंटर वाले के पास में जा करके और ये चीज़ बनाना हो। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि आप अगर बहुत भाई ऐसे हैं जो कि गल्फ़ नहीं गए हैं, किसी कंपनी में काम नहीं किए हैं, ठेकेदारी लाइन से काम किए हैं, जैसे इंडिया में मान के चलिए चेन्नई चले गए, चेन्नई में कोई किसी की ठेकेदारी के पास हम काम कर रहे हैं, तो हम कैसे क्या करें। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे मान के चलिए आपने 10 साल से काम कर रहे हैं, अप्रॉक्स एग्जांपल के तौर पे 10 साल से काम कर रहे हैं, या 9 साल से, या 12 साल से, या 15 साल से, तो आपको एक काम करना है, या आप दिल्ली नहीं भी गए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप टाइपिंग सेक्टर वाले पास जाएंगे जनसेवा केंद्र में, तो वहाँ पे आप उसको बोलेंगे, जैसे बायोडाटा एक बनेगा, 50-100 रुपये लगेंगे, 50-60 रुपये लगते हैं, स्कैन करके अपना पासपोर्ट PDF करा लेंगे और बायोडाटा बनाएंगे, तो वहाँ पे लिखेंगे कि 3 साल मैंने काम किया है चेन्नई में, ठीक है, 3 साल मैंने काम किया चेन्नई में, और चेन्नई में किसी भी एक नाम रख सकते हैं, अगर चेन्नई में तो ये नहीं पूछेंगे, कोई भी ये नहीं पूछता है, लेकिन अगर कोई पूछता है तो किसी भी चेन्नई में एक किसी जगह का नाम रख लेंगे, जैसे मान के चलिए गिंडी में काम किए, चाहे तांबर में काम किए, तो चेन्नई में एक एरिया होता है, उस एरिया का नाम रख लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने मुंबई में काम किए, या आप जेन्युइनली आप जहाँ भी काम किए हुए रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपने काम नहीं किया है, एरिया में नहीं गए, दिल्ली नहीं गए, मुंबई नहीं गए, तो आप जहाँ पे गए हो उस हिसाब से, जैसे 10 साल में आपने कहाँ कहाँ गए हैं, अगर बाहर आप नहीं गए हैं, अगर आप किसी गल्फ में गए हैं तो कोई बात नहीं, उस गल्फ का जितना दिन में गए थे, कितना डेट में गए थे, कितना डेट में आए हैं, वो नाम लिखवा देंगे। उसके बाद से 3 साल का मुंबई का, 3 साल का चेन्नई का, 3 साल का दिल्ली का, इस हिसाब से आप नाम लिखवा देंगे, लेकिन आप एक्सपीरियंस जितना दिन का हो उसी के हिसाब से 2 साल करेंगे, 2-2 साल लिखवाएंगे या 3-3 साल लिखवाएंगे, समझ में आ रहा है बात को। इस हिसाब से आप जो है अपना बायोडाटा बनवा करके उनको भेजेंगे,
या NADC में भेजेंगे या ऑफिस में भेजेंगे, किसी को भी दिखाने के लिए आसानी रहेगा। तो इस हिसाब से आप लोग बायोडाटा बनाएं, स्कैन करा करके जो है सीधा सीधा स्कैन करा करके, पासपोर्ट बेंड मेडे नहीं, टेढ़ा टेढ़ा नहीं, सीधा सीधा स्कैन करा करके PDF निकलवा लें और जहाँ पे भेजना हो वहाँ पे भेजें, अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसके साथ में वो भी भेजें। तो दोस्तों इस हिसाब से आप लोग अपना CV बनवाएं, डॉक्यूमेंट बनवाएं, और इनके पास अगर आपको भेजना है, आपको संतुष्टि लगता है, आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। एड्रेस पता आप सब पूछ लेंगे, व्हाट्सएप करा लेंगे, लोकेशन करा लेंगे। बाकी कोई चीज़ है, आपको डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। बाकी मेरे नंबर बहुत सारे वीडियोज में है, उस पर कॉल कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी डाउट है आपको, तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ और जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी भाई देखे जाने, और जो भी डाउट है कमेंट करें, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, तुरंत मैं जवाब दूंगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर भेजिएगा, ये आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, ठीक है। आप लोग भी ईमानदार रहें और ईमानदारी दूसरे के बारे में भलाई सोचें, अच्छा सोचें, तभी आप भी आपके साथ भी अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।